इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। जिंदगी में किसी से कोई सलाह नहीं ली, किसी मार्ग पर जाते समय मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, मैं किसी से सलाह ली भी नहीं। मोक्ष मार्ग पर भी गया तब भी किसी से परामर्श नहीं किया। मात मेरे परामर्श दाता कोई है तो ये शांति कुंठ अरयनाथ भगवान। इनके सामने जब भी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और जो भाव आता था वही कर बैठता था और सफलता आज तक मिलती आई कभी मिली। इसलिए अशोक जी से मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे से मत पूछो, इस मंदिर का नियम मत तोड़ो। इस भूमि का नियम है कि यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो भाव आ जाए वही सत्य है और वही सीख। कभी भी हमेशा इनका पूछ करके ही बोलते, मैंने कि बस दो तीन बार तो ओंठ हिले लेकिन शांतिनाथ कहते चुप चुप बैठ। कभी बार बार पूछ रहे थे, बोले महाराज जी मैं पूछ रहा हूं, कमेटी वाले थोड़ी पूरा, तो मैं तुरंत शांतिनाथ भगवान से पूछ रहा था कि भगवान क्या करूं, दबाव ज्यादा पड़ रहा है। तो शांतिनाथ भगवान ने कहा चुप, तुम बोलो हम चुप पे जाओ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्ति इस क्षेत्र की है। मूर्तियों से भी बहुत शक्तिमान यहाँ की माटी है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि है। पाणा साहेब ने जब इतनी बड़ी स्थिति समझ करके, राजस्थान से उनका व्यापार था और वो यहाँ लाकर के अपने रास्तों में जिन जिन रास्तों से वो गुजरे वहीं वहीं जिनबिंब स्थापित करते गए। जब उन्होंने इस भूमि को चुना होगा सैकड़ों साल पहले, तभी उस भूमि ने अपनी एक ऐसी एनर्जी, समय समय पर उतार चढ़ाव होते हैं, आज इस भूमि का जो सैकड़ों साल पहले एनर्जी को शुरुआत की गई थी आज वह रोशनी बनकर के दुनिया के बीच में आएगी। और ये भी कहता हूँ मेरे बिना बोले ही यह विश्व का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र की यही अतिशय होगा कि सारे दुनिया के क्षेत्र तो बोलने के बाद बनेंगे, बनते हैं, ये क्षेत्र मेरे बिना बोले बनेगा ऐसी मुझे उम्मीद। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम ऐम रम बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम झम झम जीम जीम छुमीम छुमीम त्रम त्रम त्रीम त्रीम द्रावे द्रावे नमोरती भगवती श्रीमती ओम ह्रीम क्रोम बम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पचे ओम नमो अरहम झम झिबीम छिबीम हम सम झम बम हयासा छाम छीम छुम छय छय छौ छम छा छिबीम ह्राम ह्रीम रुम रुम रात राम द्रीम द्राभे द्राभे नमोरती भगवती श्रीमती ठाठस्मागम समस्त भवजीवनम श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एमोस्मागम कर सिद्धार्थम सर्विघ्न मरणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेश पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सदर्म श्री बलैरविद्रस्तु स्वधर्म सुशिष पशिष बनगपिदंतु नः ओम विस्मत श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलाम धिया या मुच्य सिद्धिम तद्वंतु सदर्म कहींसु या मुच्य सिद्धिम पिछेन्तु न ओम नवरती भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी गुंथना जी रैना जी तीर्थंग्राई
श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजो मोति प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी स्वभिताई अष्टादश दोष रहिताई चतुर्थी गुण संयुक्ताई परमेष्ठी पवित्राई समय ज्ञानई सोमभि सिद्धाई बुद्धियाई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसाचक वनवर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन बीसाई त्रिलोक बसन कराई सत्य ज्ञानई सत्यमड़ी प्रतफणा मंडल मंडिताई निशियारिका श्राबक साबिका प्रमुख चतुर्विद संगोपसर्ग विनाशनाई घाती ग्रहम चयन कराई अजराई अभवाई अस्माकम साधीधरा कर्ता परिवारस चमिली भाई जी प्रदीप कुमार जी अजित कुमार जी अरविंद जी ईश्वर बारावाला परिवार सापरिवारस अनुज जी नीलू जी मुगावली साधी सालग्रह शुभ अवसरे अपी सापरिवारस विद्या भाई जी मनोज जी मनीष जी अर्जो जी बैसाली जी ज्योति जी मौली जी नियति जी एस वी जी कोटा वाला परिवार सापरिवारस बैसाली जी कष्ट निवारण हेतु समस्त ईश्वर बारा वाला परिवार कोटा राजस्थान सापरिवारस रूपी जी पिसान जी इंदौर वाला परिवार सापरिवारस विनम्र कुमार जी अखिलेश जी चेतन जी गीति जी गुना वाला परिवार सापरिवारस अभिनंदन जी इंदौर वाला परिवार सापरिवारस फूलचंद जी भोपाल सापरिवारस चक्री जी सागर सापरिवारस समस्त उपजीवनम व्याधिम गणेंतु व्याधिम गणेंतु व्याधिम गणेंतु। आज के जनों ने गगन बिहारी जो भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे उसमें एक स्वर्ण कमल के पुण्याजक नन्हे भाई जी चमेली भाई जी प्रदीप जी सरोवर वाला परिवार सागर सापरिवारस मंगल भोतु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामंत्राई निर्यापक समण मुनिश्री सुधा सागर जी महामंत्राई जितने भी मुनि संघ हैं आरिका संघ हैं समस्त दीर्घायु रहें स्वस्थ रहें यही हमारी भावना है। समस्त जीवानाम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलकुद्धनानि सदा संतु तथास्तु सधर्म श्री बलाय रवि विद्रस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं अरम अस्यावसा अनाहत विद्याय नवोडिताडम ह्रौं सर्व शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। संपूजी खानम प्रतिपाली खानम यतीन्द्र सामन तपोधनानम देशिराष्ट्रिपुरशिराज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। जयोदय अति सचित ईश्वर बारा में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। हम सब इस 900 वर्ष प्राचीन धरोहर को सुरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। यह 900 वर्ष प्राचीन धरोहर है हमारी प्राचीन धरोहर है क्षेत्र इस क्षेत्र को हम सभी का कर्तव्य है। जहां जहां भी प्राचीन जनालय हैं हमारा तो जनवाणी चैनल के माध्यम से सभी से कहना है जहां जहां हमारे प्राचीन मंदिर हैं प्राचीन धरोहर हैं हम सभी का कर्तव्य है उन धरोहरों को सुरक्षित करना उन धरोहरों की रक्षा करना। आज यहाँ पर गगन बिहारी यहाँ भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे उसमें 225 कमलों की स्थापना हो रही है जिसकी राशि 1,11,000 रुपए है। एक कमल की स्थापना करने का जिन्होंने सौभाग्य लिया है नन्हे लाल जी चमेली भाई जी पवन कुमार जी प्रदीप कुमार जी अजित कुमार जी अरविंद कुमार जी ईश्वर वाला वाला परिवार आपके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और नन्हे लाल जी के बड़े सुपुत्र पवन कुमार जी यहाँ पर हैं आपके भावों को हम जानेंगे। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग बचपन से ही इस मंदिर से जुड़े हैं और हमारे बब्बा जी वगैरह पिताजी वगैरह सभी लोग यहाँ का अतिशय देख के बहुत लाभान्वित हुए हैं और हम लोगों का पुण्यकर्म का उदय है कि हम लोग यहाँ पे आते रहें और धर्म का पुण्यार्जन करते रहें यही हमारी भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशक्षित ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।